अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दानिश परदेसी। नाज़रीन, मैं इस टाइम आया हूँ बथा, ये आप देख सकते हो, यहाँ से हज उमरे का जो ना पैकेज होते हैं या मकतब है सारे, तो किसी भाई से जानेंगे कि आजकल क्या रेट चल रहे और क्या हिसाब किताब है हमारे साथ। ये है माशाल्लाह उमरे के ऑफिस, जो आप देख सकते हो माशाल्लाह तबारक अल्लाह। यहाँ से आप हज उमरे के लिए दाखिला कर सकते हो और आपको मदीना मक्का लेकर जाएंगे। यहाँ से जानेंगे हाजी साहब से कि आजकल क्या रेट चल रहे हैं और क्या। नाज़रीन, हाजी साहब से जानेंगे कि डोमेस्टिक उमरे के हवाले से, तो कि सऊदी अरब में अंदर अगर एक सिटी से आपने जाना है रियाद से या मतलब दमाम से, तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा डोमेस्टिक उमरे के हवाले से। तो हाजी साहब से जानेंगे। हाजी साहब, अपना ज़रा नाज़रीन से तारुफ कीजिएगा। तो इधर से जो आदमी उमरा करने के लिए 5 दिन का पैकेज है, 5 दिन का पैकेज है। अच्छा, तो जो आदमी 3 दिन का पैकेज के लिए जाता है इधर से, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंट करके आदमी को मेरा भेज दिया था। अच्छा, 4 दिन का जो भी जाता है वो उसका भी मेरा हमारा भाई के लिए डिस्काउंट करके इंशाल्लाह इधर से भेजता है उम्र के लिए, और 5 दिन का ये इंशाल्लाह हमारा ऑफिस के अंदर आ गया तो इंशाल्लाह मैं डिस्काउंट, अच्छा जो डिस्काउंट करेगा वो आदमी खुश हो जाता है इंशाल्लाह। बिल्कुल। हाँ। तो ये बता दीजिएगा हाजी साहब, 3 दिन का उम्र का क्या पैकेज है, उसमें क्या फैसिलिटीज देते हैं आप लोग? हमारा 3 दिन का पैकेज पहले हफ्ते का 4 दिन। अच्छा, हफ्ते का 4 दिन पहले मक्का जाना पड़ेगा। अच्छा, शुक्र शनि रवि और सोम, ठीक है, मंगल। अच्छा, बुध का बुध और खमीस का दिन। अच्छा, तुम्हारा दिल जिधर ही चाहिए, मक्का भी है गाड़ी, मदीना भी गाड़ी। अच्छा, 3 दिन का पैकेज। अच्छा, 3 दिन का पैकेज के अंदर मेरा मक्का भी होटल है, मदीना। अच्छा, भी होटल नहीं है। अच्छा, मदीना भी जियारत है। अच्छा, मक्का भी होटल है। अच्छा, तो होटल का अंदर मेरा ये जो मेस वाला कुबरी है ना, कुबरी का अंदर है। अच्छा, नहीं है, करीब है, यानी करीब है। होटल से मक्का जाना ओनली 4 से 5 मिनट लगता है। अच्छा, अच्छा। तो मेरा ये उम्रा करने के लिए परमिट चाहिए। अच्छा, उम्रा का परमिट चाहिए, ये नमाज का परमिट चाहिए। अच्छा, और मदीना ज़ियारत करने के लिए परमिट चाहिए, सब कुछ मेरा बना चाहिए। ठीक है, तो जो 3 दिन का पैकेज का क्या प्राइस है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के पैकेज के लिए 150 रियाल। 150 रियाल इधर है, और दूसरा पैकेज भी है, तुम गुरफा खास चाहिए। अच्छा, एक आदमी, 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी पर्सनल रूम चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पैसा आता है। अच्छा, तो उसका भी डिस्काउंट करके इंशाल्लाह में। उसका क्या प्राइस है? उसमें खाना वगैरह भी है या सिर्फ VIP रिहायश है? सेपरेट रूम ले लिया तो 150, जो साथ में 50 एड होता है 200 रियाल। अच्छा, ठीक है, तो 50 रियाल यानी महंगा है। 50 रियाल ज्यादा है रूम के लिए। ठीक है, वो आप लोगों के पास मक्का में भी होता है, मदीना में भी होता है, सिर्फ मक्का में होता है? मदीना भी होटल नहीं है, ओनली 3 दिन का पैकेज के लिए मक्का भी। अच्छा अच्छा, पहले मक्का जाएगा उमरा कर के फिर ज़ियारत के लिए मदीना जाएगा। और जो छोटे ज़ियारत है वो भी करवाएंगे साथ ज़ियारत करने के बाद। ये खंदक मस्जिद है ना, क़िबलतैन मस्जिद, अमीर हमजा का कब्र है ना, उधर ज़ियारत करना पड़ेगा। और जो सबा मस्जिद हो गया, मस्जिद कुबा हो गया, मस्जिद कुबा उसका ज़ियारत करने के बाद बस रियाद वापस। अच्छा अच्छा, ये 3 दिन का टूर होगा। अगर नॉर्मल करना है वो 150 का है, और अगर थोड़ा सेपरेट रूम चाहिए 2-3 बंदों वाला तो 50 रियाल ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, आप लोग अगर आज की सीज़न आ जाए तो हज कभी यहाँ से आप लोग दाखिला कराते हो या उसका क्या प्रोसेस होते हैं? हज के लिए अगर हज की सीज़न आ जाए तो हज के लिए आप लोग यहाँ से कराते हैं? इधर उम्र के लिए। अच्छा, उम्र के लिए, सिर्फ उम्र के लिए, सिर्फ उम्र के लिए यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो आपने नाज़रीन को नंबर भी बता दीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप भी बता दीजिएगा। ये कार्ड है, ठीक है, अंदर ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे दूँगा, जिन जो नाज़रीन ख्वाहिशमंद होंगे वो इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लेंगे। आप अपना नंबर बता भी दीजिएगा ज़बानी।
07-1926 ठीक है हमारा नंबर है। ठीक है उसका नंबर भी फोन करें इंशाल्लाह। ठीक उसका नंबर से फोन करेगा मैं उसके ऊपर डिस्काउंट। ठीक है जी। अच्छा एक और बात पूछना था, जैसे कि कुछ दिन पहला जो ना उम्रा एक महीने से पहला बुकिंग दूसरा नहीं मिलता था, इस तरह था गालिबन ना उम्रे का एक बुकिंग, अगर एक मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आज उम्रा कर लूँ तो अगला मुझे कब फिर मतलब टाइम मिलेगा? अगर मैं अगर एक बंदा आज यानी आज के दिन उम्रा कर लें तो कितना दिन बीच में वक्फा रखना पड़ेगा? कितना दिन? हाँ दूसरा उम्रा कब कर सकते हैं, कितने दिन के बाद कर सकते हैं? अगर एक बंदा आज की दिन उम्रा कर ले एक से दो उम्रा करने के लिए पहले करना चाहता है। अच्छा नहीं नहीं तीन दिन के पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक एक आदमी आज जा रहे तीन दिन के पैकेज पे उम्रा कल कर लिया कल पहुँचेगा हरम सा तो फिर कितने दिन के बाद दूसरा बुकिंग कर सकते हैं? अच्छा यानी कि आज मैं गया हूँ अगले हफ्ते जा सकता हूँ? जा सकते कोई मसला मसाल नहीं। अच्छा ये बता दीजिएगा ज्यारत के लिए अलहदा जो है ना वो तस्री बनाना पड़ता है या वो एक ही जो उम्रे का तस्री है उसी में सब कुछ होता है? हरम शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ का वो उसका अलहदा तस्री है और अंदर जो मस्जिद वो जो है क्या नाम है उसका जन्नतुल रोज रियाजुल जन्ना उसके लिए भी तस्वीर बनाना पड़ता है या उसी के अंदर होता है वो? ये रियाजुल जन्ना के लिए कुछ टाइम में ये तस्वीर बनाना पड़ेगा कुछ टाइम तवक्कुल से। अच्छा तवक्कुल अगर आपका मतलब इम्यून है तो हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यह था हाजी साहब से उम्रे के हवाले से गुफ्तगू। जिन दोस्तों ने रियाज से उम्रे के लिए जाना हो तो बहुत ही अच्छा आदमी है माशाल्लाह, मुझे यकीन करें दिल ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और इंशाल्लाह आप हमारे नाम लेंगे तो इंशाल्लाह आपको खसूसी डिस्काउंट भी मिलेगा और आपके साथ जो बात होगा तो इंशाल्लाह उस पर पूरे उतरेंगे। इनके जो होटल है वो बिल्कुल हरम शरीफ के साथ है, आपको नमाज के लिए एनी टाइम मतलब आपको जमात की बाजमात आप नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन। ये है जी इनकी ऑफिस जो आप देख सकते हो, गाड़ी अब इनके पास सारे माशाल्लाह एगर और यू टांग सारे लग्जरी गाड़ी है और बहुत एक साफ माहौल है आप देख सकते हो। नाज़रीन ये एक और बाइस इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा सा मालूमात ये भी आपको बताना चाहेंगे उम्रे के हवाले से कि इनके हरम के यानी कितना करीब इनका फंदूक होता है और जो भी बात है वो आपको बताएंगे ज़बानी तो इनसे जानेंगे। नाज़रीन को बता दीजिएगा आप क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हो आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम हमारा ये जो उम्रा का गाड़ी जाता है ना तीन दिन का पैकेज है। अच्छा और पाँच दिन का भी है चार दिन का पैकेज भी है। अच्छा पाँच दिन का जो पैकेज है मक्का में दो दिन होटल है। अच्छा मदीना में दो दिन होटल है। ठीक है मक्का में होटल है हमारा मेस वाला जो कुबरी है ना कुबरी के साथ जी जी कुबरी के अंदर। अच्छा। कुबरी की बाहर नहीं है कुबरी के अंदर हमारा होटल है मक्का में। अच्छा मक्का में और मदीना में भी हरम के साथ हमारा होटल है नजदीक मस्जिद नबवी के पास एकदम नजदीक। पहला गाड़ी जाएगा पाँच दिन वाला फिर के दिन हफ्ता में पाँच दिन का गाड़ी फिर के दिन जाता है ये समझ दो पाँच दिन का गाड़ी फिर के दिन जाता है और चार दिन का गाड़ी भी मंगल में जाता है। अच्छा। तीन दिन का गाड़ी डेली जाता है डेली पेस पे डेली पैकेज है सुबह 10 बजे शुरू होता है पाँच बजे तक हमारा डेली गाड़ी है। ठीक है डेली गाड़ी ठीक है। इनमें जो आप तीन पैकेज आपने बताया एक है तीन दिन का एक है चार दिन का एक है पाँच दिन का ऐसा ही है ना तो इन सब में मतलब आप लोग रूम देते हो मक्के में मदीने में रूम नहीं है? तीन दिन का पैकेज एक दिन रूम है मक्का में। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस बहुत अच्छे इधर से डेली सुबह 10 बजे शुरू होता है 5 बजे तक हमारा गाड़ी जाता है। अच्छा हर आधा घंटे के अंदर हमारा एक एक गाड़ी निकलता है। अच्छा ठीक है तो इनमें आप खाना तो प्रोवाइड नहीं करते इन पैकेजों में? खाना पीना अपना है। अच्छा सिर्फ आप लोग रिहायश प्रोवाइड करते हैं और मक्का में एक दिन होटल मिलेगा तीन दिन का पैकेज में और चार में चार दिन का पैकेज में मक्का में दो दिन होटल मदीना में एक दिन होटल। अच्छा मक्का में दो दिन मदीना और पाँच दिन वाले में पाँच दिन वाला मक्का में दो दिन होटल मदीना में दो दिन होटल। ठीक है जी। ठीक है जी नाज़रीन ये तो हाजी साहब की बात है जो आप लोगों को बता दिया, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इंशाल्लाह आपको सही रेट पर और जो बात करेंगे तो वो इस पर पूरा होता है। और एक बात है हमारा 2021 मॉडल का गाड़ी है अल्फिनो एडिशन मॉडल 2021 मॉडल का गाड़ी है। ठीक है सरदार है और हमाम भी है। ठीक है हमाम भी है और एकदम नया बिल्कुल गाड़ी है। ड्राइवर पाकिस्तानी है पाकिस्तानी है और इंडोनेशिया है और अरबी भी है। आप
रद्दा करेगा पाकिस्तानी ड्राइवर हमारा भी गाड़ी। आपकी मर्जी, अगर आप पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी के साथ जाना चाहो, मतलब इंडियन भी हैं? इंडियन का ड्राइवर नहीं। और बांग्लादेशी? बांग्लादेशी भी नहीं है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी, इंडोनेशिया और सुधारी बस। ठीक है जी, ठीक है जी। नाज़रीन, यह था हाजी साहब की बातें जो आप लोगों ने सुन लिया, और अल्लाह ताला हम सब की जो ना बार बार अपनी ज़ियारत, अपने महबूब की ज़ियारत की दीदार नसीब अदा फरमाए, और आमीन। जो है ना इंशाल्लाह जिस हमारा मकतब का नाम जन्नतुल मावा, जन्नतुल मावा ये बाता पुराना बस स्टैंड शिवाल जजीरा हॉस्पिटल का नीचे हमारा ये मकतब है, मकतब का नाम जन्नतुल मावा। ठीक है, शिवाल जजीरा हॉस्पिटल का नीचे हमारा ये मकतब। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है नाज़रीन, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेहगेबान।